चाचू चाचू मुझे खाने सुनाओ ना, बहुत दिन हो गया। कैसा खाने सुनेगा, भूत वाला कि नॉर्मल कैसा? चाचू चाचू भूतिया सुनाओ, भूतिया खाने, आज मैं भूतिया नहीं सुनूंगा चाचू, सुनाओ ना। चल ठीक है, सुना रहा हूँ, डरना नहीं। नहीं डरेगा ना? नहीं चाचू नहीं डरूंगा, सुनाओ सुनाओ। चले सुन, एक गांव था बहुत पुराना। ये कहानी कुछ दिन पहले की है, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कुछ दिन पहले एक गांव में बहुत सारे अनसुनी बातें हो रही थी। जैसे उस पहले बता दूं, उस गांव में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत ही पुराना था। उसी पीपल के पेड़ के बारे में अनसुनी बातें हो रही थी कि उस पीपल के पेड़ पास ये है वो है, फलाना ठिकाना सब बातें कर रहे थे। पर गांव में अंधविश्वास पूरा फैल गया कि वहां पे ऐसा ऐसा बात है तो कोई नहीं जाए। और कहते हैं ना, कुछ गांव में तीन चार लोग ऐसे होते हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं और हीरो पंथी दिखाते हैं। तो उसी में से तीन लोग जो थे दोस्त थे, गांव के बच्चे थे। तो वो तीनों रात को गया चोरी छुप के वहां पे भूत से देखने की, भूत है कि नहीं। जब वो लोग रात को वहां पहुंचा तो 8-9 बजे के करीब में कुछ नहीं था, नॉर्मल था। तो लोग आपस में बातें करने लगे कि यार सब गांव वाला झूठ में डरता है, ये वो, जैसा गांव वाले हैं डरते हैं। फिर जैसे ही 8-9 बजने लगा, ठीक है 9 बजने का टाइम हुआ, तो वहां पे थोड़ा सन्नाटा छा गया क्योंकि 8 बजे तक थोड़ा चहल पहल था तो कुछ नहीं। 9 बजते ही वहां पर सन्नाटा छा गया। फिर उसमें से एक बोला कि कौन बोल रहा था भूत है कहाँ कुछ है। फिर दूसरा बोला कि हाँ यार सब लोग फालतू डरते हैं, आज मैं गाँव को सबको दिखा दूंगा, गाँव वालों को कि हाँ भूत नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद, जैसे 9:30 के आसपास में वहाँ पर कुछ कुछ हलचल होने लगा। तो ये लोग बोलने लगा आपस में, क्या मजाक क्यों कर रहा है? वो बोला मजाक क्यों कर रहा है, डरा रहा है ना साले, मैं डरूंगा नहीं, ऐसे बोलने लगे। सो फिर एक बोल रहा है मैं थोड़ी डरा रहा हूँ, तो बोला झूठ ना बोल, तो डरा रहा है मेरे को। तो बोला नहीं यार मैं थोड़ी डरा रहा हूँ। तो ऐसे जो हंसी मजाक हंसी मजाक करते करते 10 बज गया। रात के 10 बजते ही वहाँ अजीबो गरीबो आवाज आने लगी, पूरा एकदम माहौल पर सन्नाटा छा गया। और वहां से बिल्ली की रोने की आवाज और अजीबो गरीब आवाज आने लगी, जिससे तीनों में वो डर गए, पूरा डर गए तीनों। फिर उसमें से एक बोला चलो तो भागते हैं यहाँ से, और दो बोले नहीं नहीं भागना नहीं है, आज रात भर यही रहना है और सब साबित करना है कि गाँव वालों को क्या भूत नहीं है। फिर अचानक से उनके सामने एक भूत आ गई जो दिखने में बहुत ही खतरनाक और भयंकर थी। उसमें से एक लड़का तो भाग गया पर दो को वो मार दी। फिर सुबह वो लड़का पूरे गांव में ये बात बताया। फिर उसके बाद उस पीपल के पेड़ पास कोई नहीं जाता है, उसको बंद कर दिया गया। अभी भी वो पीपल का पेड़ वही बंद है और वहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे मत जाए, यहाँ जाना मना है।